दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को फिर से और एक नया वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे ना सुबह थोड़ा धूप दिया था, फिर से बारिश होने वाला है। थोड़ा सा धूप दिया था तो उसी में मैंने कपड़ा वगैरह पूरा वॉश कर लिया है। बेतुल का कपड़ा, मेरा कपड़ा, वहाँ पे देखे पूरा इतना ज़्यादा कपड़ा मैंने सुबह सुबह वॉश कर दिया है। शायद धूप देगा ये सोच के मैंने कपड़ा वगैरह वॉश कर लिया था, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था कपड़ा वगैरह। बिहू ख़त्म होने के बाद तो हम लोग अदरक लगाने गए थे और टाइम ही नहीं मिला था गर्क वगैरह सफाई का निकले, तो मैं आज सफाई करूँगी। मैंने भी अभी अभी मुंह वगैरह धुला है और सुबह से ही मैं काम पे बिजी थी, तो अभी से मैं ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी चलते हैं वो घर वगैरह साफ करने के लिए। और मेरा बच्चा पति लोग भी आ चुके हैं। मैंने कल बोला था उन लोगों को मैं पकौड़े बनाऊंगी तो आ जाना खाने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने पकौड़े वगैरह नहीं बनाया है तो उन लोग पहुँच गए हैं। तो घर वगैरह साफ करने के बाद मैं पकौड़े वगैरह वो सब बना दूँगी इन लोग के लिए। ये देखो चिल्लर पार्टी लोग पूरा यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मुझे ये टेबल वगैरह साफ करके अंदर में भी रखना है, इसमें झाड़ू पोछा वो सब लगाना भी है। और थोड़ा सा धूप निकलने आया था तो मैंने तो यहाँ पे मिर्ची सुखाने के लिए दे दिया, लेकिन धूप भी नहीं है यहाँ पे। देखिए धूप देगा, सोचा था कंबल भी बाहर में निकाल दिया लेकिन धूप भी नहीं है, थोड़ी देर में फिर अंदर लेके आना पड़ेगा। और ये देखो मिर्ची मैंने यहाँ पे सुखा रही हूँ, धूप नहीं है, अभी अंदर में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि तो बारिश आ जाएगा तो पूरा ख़त्म। और ये भी साफ करके अंदर में रखना है टेबल। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोस्तों फिर से ना यूट्यूब चैनल में, किसका चैनल? प्रियंका ऑर्गेनिक ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे देख सकते हैं, आइए अंदर पे। हमारा किचन का किचन तो थोड़ा गंदा है, लेकिन मैंने बर्तन वगैरह वो साफ करके वहाँ पर रख दिया। अभी सही करना, ठीक करना है और बिस्तर भी ठीक करके रखना है। पूरा गंदा वंदा हो चुका है, अभी अच्छे से मैं झाड़ू पोछा लगा के ठिप टप करके फिर पकौड़े वगैरह बना दूंगी। और यहाँ पे है मैदा, बिहू का वो जो बिहू का सामान मैं खरीद के लेके आया था बच गया। और यहाँ पे है मूँगफली, बादाम और कोकोनट भी है, उसमें गुड़ चीनी बहुत सारा सामान अवेलेबल है। तो पकौड़े वगैरह खाएंगे ना, फिर चोल खाओगे ना नहीं खाओगे? खाऊंगी। हाँ ये मैं एक भैया ने गिफ्ट में दिया था, ये इसका प्राइस है 12,000 रुपया। और इसको बढ़िया से सफाई कर रहे हैं तो ये बस नॉर्मल वाला है। झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है, बस पोछा बाकी है। और यहाँ पे गुड वाइफ, सुबह सुबह मेरा कपड़ा भी वॉश कर दिया, थैंक यू। बहुत सारा कपड़ा, ढेर सारा कपड़ा वॉश कर दिया। और यहाँ पे बच्चा पट्टी लोग हो जाएगा इतना देने से मैदा। और इसमें वो सरसों का साग ना जो हम लोग कल लेके आए थे उस खाएंगे। क्या खाएंगे? जाल पकौड़ा ना, इन लोग का बहुत ही ज्यादा पसंद है। मीठा वाला इतना पसंद नहीं है, बस थोड़ा जाल वाला ही पसंद है। तो इसीलिए मैं काम पे तो बिजी हूँ, तो इन लोग को करने के लिए बोल ले रही हूँ। द्राक्ष, हाँ 200 ग्राम और द्राक्ष वगैरह मैं दे दूंगी। बस क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना। वो सोडा कहाँ गया? बोलो सोडा, ज्यादा नहीं डालना। एक शत की सिंदूर तुम क्या जानो रमेश बाबू, हाँ उतना ही दे देना। मेरा और थोड़ा दे देना, और थोड़ा, हाँ हो जाएगा इतना देने से। और ये मसाला डाल देना इसमें, ज्यादा मत डालना, और डालो और। हाँ 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 हो गया। और इसमें धनिया पाउडर। हाँ हो जाएगा इतना से। नमक लेके आओ, फिर नमक डालना है ना। हाँ इसमें गया नमक। अभी ये पहले अच्छे से मिक्स करो, ये मिक्स कर लो
और संभाल के करना गिर ना जाए, फिर से मुझे पोछा लगाना है। इसको देखो आलसे की तरह पूरा बिस्तर बिछा रहा है। मेरा मुर्जी, मेरा बिस्तर, मेरा मुर्जी, मेरा बिस्तर। अच्छा से करो, अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। मेरा मुर्जी, मेरा बिस्तर, हम जा करेगा वो अपना मर्जी, हम किसी का बात नहीं छोड़ेंगे। हो गया जाओ, आज से ये टेबल घर का अंदर में ही रहेगा, बाहर नहीं रखेंगे। बाहर रखने से पूरा गंदा वंदा हो जाता है, इसीलिए घर का अंदर में रखूंगी। है क्या ये, कहाँ लगाएंगे इतना दूर दूर। टेबल मैंने इस साइड रख दिया है, बाहर में रखेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। वाह, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं गैस। और मैंने चिल्लर पत्ती को ये बनाने के लिए दे दिया था, पूरा रेडी हो गया है। सुबह से मैं लगातार काम कर रही थी, और यहाँ पे झाड़ू बोगरा भी लगा दिया है इस साइड का भी। और चिल्लर पत्ती लोग ये बेम्बू लेके आया है, क्योंकि हम लोग आग में पकौड़े बनाएंगे, गैस में नहीं बनाएंगे। गैस खत्म होने वाला है ना, इसी के कारण आग में ही बना लेंगे हम लोग। और वहाँ से भी लेके आ रहे हैं उठा उठा के बेम्बू वगैरह, हो जाएगा चिल्लर पत्ती लोग, नहीं चाहिए इतना ही हो जाएगा। पूरा थक गया गैस, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद पकौड़े वकौड़े बनाना है इसका। और यहाँ पे आग जला के ये क्या बालू बालू गर्म कराइए, नया नया कराइए ना, लोहा का कराइए है। तो दुकानदार ने बोला था कि पहले बालू को अच्छे से गर्म कर लेना, उसका बाद तेल वगैरह जो पकौड़े वकौड़े बनाते हैं वो बना लेना बोला है, ताकि ये बालू गर्म करेंगे तेल वगैरह ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर बालू ये गर्म नहीं करेंगे ना तो तेल ज़्यादा खाएगा बोला, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा पूल करके बालू दे दिया और गर्म कर रही हूँ। अभी तक गर्म नहीं हुआ है, जैसे है वैसे है। कितना डाला मिर्ची? ज्यादा नहीं डाला, बच्चे खाली लोग खा नहीं पाएंगे। 100 ग्राम कहाँ 100 ग्राम डाले, दो तीन चार तो डाल दिया। मैं होता तो डाल देता 100 ग्राम, बच्चे लोग खा नहीं पाएंगे। और हम लोग इसमें ना एक बेम्बू का वो किचन बनाएंगे ना, इसमें घर हाँ। किचन बनाएंगे, घर भी बनाएंगे। एक्चुअली बेम्बू का घर ही होगा, उसमें एक रूम रहेगा ना, गेस्ट उसमें सो पाएंगे और हम लोग भी सोएंगे शायद। और लाइट का कनेक्शन अभी तक नहीं लिए हैं, तो लाइट का कनेक्शन भी ले लेंगे।
वाओ गाइस पकौड़े पूरा रेडी हो चुका है। आओ बच्चे भाजे लो खा लो, इसमें खाएंगे हम लोग पूरा गर्मा गर्मा पकौड़े। ये गर्म है इसको नहीं छुएंगे, ये थोड़ा ठंडा है, ये वाला खा के देखते हैं। बढ़िया है। कैसा है बकौन? बढ़िया है। पिचो मिले? बढ़िया है। अरे नंदू टेस्टी है, बोलो तुम टेस्टी है। टेस्टी है, खा लो। वाओ गाइस ये देखो ना पकौड़े बनाया है हमने अभी अभी, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी हुआ है। और ना बच्चा पार्टी को मीठा वाला पसंद नहीं है, थोड़ा स्पाइसी वाला ही पसंद है इन लोग को, इसलिए मिर्ची वगैरह डालने के लिए बोला था तो मैंने डाल लिया, ज़्यादा नहीं डाला था। इसने मिक्स वो सब ये किया था, बस डायरेक्शन हमने दिया था क्या क्या डालना है, कितना डालना है, ये सब हमने बोला था। और कभी अच्छा भी बनाया है इसने, हमने तो बस पकाया है, इन्होंने बनाया ये सब। देखो नंदू को चिराने के लिए पता नहीं दोनों क्या क्या करते रहते हैं हमेशा। गुस्सा रहा नंदू को, देखो आके ठहरा कर देख रहा है उसको, लो गुस्सा आ गया पूरा बाहर। पकौड़े वगैरह तो खा लिया है दोस्तों, और मेरा पति जब खाना बना रहे हैं मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो खाना बना रहे हैं। और मुझे अलमारी में जो कपड़ा रखा हुआ था ना वो अच्छे से ठीक करके भी रखना है, पूरा इधर उधर करके मैंने कपड़ा रख दिया कि जल्दबाजी में कपड़ा पहनते अब चले जाते हैं ना इसीलिए। और यहाँ पे पतिदेव खाना बना रहा है, बैंगन बनाएगा ना, बैंगन चार तो बैंगन खाएगा बोला है। और ये अभी बिंदी इतना ज्यादा पानी दे दिया, इतना ये देखो गाइस मैंने कपड़ा पूरा इधर उधर रख दिया है, अभी अच्छे से रखना है। और चिल्लर पार्टी वहाँ पे बैठ कर मूवी देखो, जाओ वहाँ पे बैठ कर अच्छे से मूवी देखना है। बिस्तर में नहीं नहीं नहीं, बिस्तर पूरा इधर उधर कर देते हो, मैं यहाँ पे कपड़ा रखूंगी ना अभी यहाँ से निकाल निकाल के। वाइफ अभी घर की सफाई कर रहे हैं, काफी सारा कपड़ा है, बोलते हैं फिर भी कपड़ा नहीं है। है ना, लेकिन पुराना वाला है, लड़कियों का मन कभी मानता नहीं है ना, इतना ज्यादा है कपड़ा इसी में, ये सब पुराना लेकिन पुराना हो चुका है, तो ये सिर्फ अपना मेहनत का पैसा से कर रहा है। सबसे ज्यादा मेरा कपड़ा सब्सक्राइबर ने भेजा है इसलिए इतना ज्यादा है, यहाँ पे जितना भी है ना सब सब्सक्राइबर ने भेजा है। वो हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है ना वो भी यहाँ पे रख दिया है। और मैं कभी कभार मार्केट में जाती हूँ ना तो इसलिए वो हिस्सा मैंने ये टाट पोल में रख दिया है। और यहाँ से भी सब्सक्राइबर का बहुत सारा गिफ्ट मिला था, वो सब भी इसमें रख दिया, मेरा कपड़ा सब्सक्राइबर दिया हुआ ये मिला के मैंने यहाँ पे रख दिया है। और सबसे बड़ा नीचे वाला हिस्से में मैंने जो रोज़ पहनती हूँ वही कपड़ा यहाँ पे रख दिया है, और मेरे हिसाब से तो मैंने सही से रख दिया है, लेकिन थोड़ा कम पड़ गया मेरा। टेडी बियर रखने के लिए जगह है ही नहीं, और बैग रखने के लिए वो जगह नहीं है, फिर से मुझे एक अलमारी लेना पड़ेगा ताकि मैं बैग वे सब रख पाऊँ अच्छे से। जो वो शीशा वाला होता है ना अलमारी, मुझे वैसे वाला ही पसंद है, तो वैसे वाला मैं एक ले लूँगी। और यहाँ पे पूरा कपड़ा मैंने अच्छे से भी रख दिया फोल्ड करके, अभी इस पर बंद कर देती हूँ। अभी हो गया बंद, और खुद को आईना में दिखती हूँ, आईना थोड़ा गंदा हो गया ना साफ करना पड़ेगा। मेरा छिल्लर पार्टी लोग यहाँ पे मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो मैं भी अभी खाना खा लेती हूँ। पति देव ने तो अकेले अकेले खाना खा लिया क्योंकि मैं पूरा बिजी थी ना, तो इसलिए बोला उसको भी भूख लगता है, मैंने बोल दिया कि अकेले खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी, तो मैं भी अभी खाना खा लेती हूँ। गाइस पहले खाना निकालता है उसका खा लूंगी। खाना भी निकाल लिया है, यहाँ पे मैंने बस एक बिंदी ले लिया है, और ये मछली, और यहाँ पे है हुजूरी, तो अभी खाना खा लेते हैं गाइस। ये चिल्लर पार्टी लोग तो नहीं खाएंगे क्योंकि इन लोग खाना खा के आ चुके हैं और पकौड़े खाए हैं, तो बोल रहे थे कि पेट फूल हो गया है, तो मैं खाना खा लूँगी। मैंने ज़्यादा इतना पकौड़े नहीं खाया, बस दो तीन तो खाया है। यहाँ पे भैया आया है ड्रॉप लेने के लिए, इसको क्या बोलते हैं वो चॉकलेट वाला लेके आया ना, तो ये अच्छा लगता है। चप चार तो दीजिए बच्चे के लिए, बस तेरी बैग में देना है इसे, हाथ में, हाथ में दीजिएगा, हो जाएगा। आइए लीजिए, इसका पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, इसका पैसा नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, एक ठू का ये पैसा नहीं लगा, थोड़ा गल गया ना वो, एक ठू तीन लो, बैल ठीक से गिरा ना।
ये मैडम चार। थैंक यू भैया एक फ्री में देने के लिए। तो मुझे फ्री में एक तो मिल गया, लेकिन मैं खाना नहीं चाहती हूँ। और चाहिए क्या? नहीं हो गया। तो दोस्तों ब्रॉक वगैरह भी खा लिया है, हम लोग ना उसको आइसक्रीम कहते हैं, तो आइसक्रीम वगैरह भी खा लिया है। तो आज का ब्लॉग को मैं फिलहाल यहाँ पे समाप्त कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। मुझे ये भी देखो इतनी करके अपलोड भी करना है और मुझे नहाना भी है, तो मैं कल नहीं नहाती तो आज नहा लूँगी। तो मिलते हैं कल फिर से और एक नया ब्लॉग के साथ।